सारी दुनिया सारे किसान अब सरकार की मंशा को बहुत अच्छी तरह समझ चुके हैं। आएंगे अखिलेश भैया ही आएंगे। आम आदमी को कुचलने की भावना रखती है, तो लोगों के मन में भी ये भावना आ गई है कि सरकार को बिल्कुल उखाड़ के जड़ मूल से उखाड़ के फेंक दिया जाए। अखिलेश के आने की उम्मीद है। देश के गृह मंत्री गृह राज्य मंत्री किस भाषा में बात करते हैं कि मैं बड़े माफियाओं की भाषा में बात कर रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप? बुलंदशहर जिले में गांव है मेरा। क्या नाम है आपका सर? उत्तम सिंह जी। उत्तम सिंह जी, मैं जानने की कोशिश करूंगा, तीन कृषि कानून को लेकर यहाँ किसान इतने लंबे समय से हैं, क्या लगता है क्या सरकार की क्या मंशा है इसमें? सरकार की मंशा तो कभी भी जी देश हित और किसान हित में कभी नहीं रही, तभी इस तरह के कानून लेके आई थी जी। पर सरकार की मंशा कुछ भी हो, सारा देश और सारी दुनिया सारे किसान अब सरकार की मंशा को बहुत अच्छी तरह समझ चुके हैं जी। और इसीलिए सारे किसानों ने सारे देश के किसानों ने यह फैसला किया है कि सरकार की मंशा को पलट के अब किसानों की मंशा ही इस देश पर काबिज होगी। हमेशा किसानों की समाज का देश के जो वोटर है आम वोटर, देश का गरीब तबका, देश का मजदूर तबका और देश का किसान जी, इसकी जो मंशा होगी वही देश पर सत्ता पर काबिज होगा। मंशाएं कुछ भी हों उनकी मंशाओं को पलट के रख देंगे हम और निश्चित रूप से हम कामयाब होंगे। इनको सरकार को निश्चित अपने किसान कानूनों को वापस लेना ही पड़ेगा, इसके बिना सरकार सत्ता में रह नहीं पाएगी। लखीमपुर में किसानों की निर्मम हत्या कर दी जाती है, बीजेपी के मंत्री पर आरोप लगता है, क्या लगता है आपको यूपी के चुनाव नज़दीक कितना फर्क पड़ सकता है इन सब चीज़ों से? ये लगता है कि ये सरकार के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी ये घटना जी। सरकार इतनी निरंकुश हो गई है, इनको ऐसा लगता है प्रजातंत्र का मतलब ही ये लगता है बिल्कुल भूल गए हैं। इनके वक्तव्यों से, सरकार के नेताओं के वक्तव्यों से ऐसा लगता है कि इनको जनता कीड़े मकोड़ों की माफिक नजर आती है। अब सत्ता के नशे में ये भूल गए हैं इन्हीं लोगों ने इनको वहां तक चुन के भेजा था जी। देश के गृह राज्य मंत्री किस भाषा में बात करते हैं कि मैं केवल एक MP नहीं हूं, मैं केवल एक मंत्री नहीं हूं, उसके अलावा बहुत कुछ, क्या है इसके अलावा आप जी? इसके अलावा क्या है आप? कोई बड़े माफियाओं की भाषा में बात कर रहे हैं जी। और उन्होंने दिखा दिया कि वो इसके अलावा और क्या है। उन्होंने आम आदमी को जिसके ऊपर गाड़ियों से कुचल दिया गया जी, इससे पता लगता है कि वो क्या मंशा रखते हैं देश के लोगों को, देश की आवाज़ को दबाने के लिए जी किस हद तक जा सकते हैं जी। पर अब जो है देश की जनता भी समझ चुकी है, लगभग निश्चित है। और ये घटना जो है लखीमपुर खीरी की, ये घटना संभवतः है इनके सत्ता की ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आज एक सर्वे होता है, DB ग्रुप सर्वे करवाती है, चाणक्य टुडे सर्वे करवाती है कि जो 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं हाल ही, उत्तर प्रदेश के चुनाव चाहे हम देख लें, मणिपुर के चुनाव देख लें, तमाम जो राज्य, गोवा के चुनाव देख लें, तो इस पर BJP कहीं ना कहीं लुढ़कती नजर आ रही है। क्या लगता है केंद्र की सरकार को कितना इससे मादा रखती है सर्वे से? जनमानस के अंदर ये धारणा घर कर गई है जी कि ये सरकार आम आदमी को कुचलने की भावना रखती है, तो लोगों के मन में भी ये भावना आ गई है कि सरकार को बिल्कुल उखाड़ के जड़ मूल से उखाड़ के फेंक दिया जाए। और ये बातें करते थे कि अगले 50 साल तक रहेंगे, लगता अब ये है कि ये अगले 50 साल तक दोबारा आने वाले नहीं हैं। ये इनको इस सरकार को जनता जड़ मूल से उखाड़ के फेंक देगी अब, और लगभग ये फैसला कर चुकी है। हालांकि आमतौर पर मीडिया सत्ता के साथ, आजकल का जो मीडिया है जिसको गोदी मीडिया कहते हैं, आमतौर पर सरकार के साथ रहता है, सरकार की भाषा में बात करता है, बावजूद उसके भी अगर सर्वे इस तरह के आ रहे हैं तो इससे पता लगता है कि देश का जनमानस किस तरफ एक दिशा में बह रहा है जी। तो ये सरकार के जाने की तैयारी है जी। कुछ समय पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध जिले में आते हैं, वहाँ वो कहते हैं जनमन से कि प्रदेश में किसान खुशहाल हैं, उन्हें समर्थन मूल्य गन्ने का दे दिया गया है, इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं आप जी? लगता है कि लोगों के बीच में तो जाते ही नहीं है जी। किस बात से खुशहाल है किसान? किसान को गन्ने का पेमेंट नहीं मिलता, भाव कहीं बढ़ाते नहीं है किसानों के, फसलें समर्थन मूल्य तो दे दिया ना गन्ने पे। अभी तक की सरकारों का जितने भी सरकार जो रेट दिए थे समर्थन मूल्य, जितने भी आज तक दिया, सबसे कम इस सरकार ने दिया है जी। सबसे कम, और वो भी अभी आखिरी जो सत्ता का, वो भी जब इनके 5 साल पूरे आए हैं, वो उस समय उसने समर्थन मूल्य दिया है, वो भी अभी तक की सरकारों का सबसे कम था वो जी। और इसको तो निश्चित आप समझ सकते हैं कि चुनावी लॉलीपॉप है, ये भी एक चुनावी लॉलीपॉप है, जो भी वो भी लॉलीपॉप से भी शायद छोटी गोली है कोई चूसने को दी गई है जी, जो कि चुनावी वर्ष में देखते हुए इसको उसको कोशिश की गई है। सिंधु बॉर्डर पे एक ऐसे समुदाय के युवक की निर्मम हत्या कर दी गई, क्या लगता है आपको, क्या है ये राजनीतिक मंशा है या कुछ और चीज़ें इसमें, क्या एंगल? ये सरकार के हथकंडे हैं जी, अलग अलग तरह की साजिशों को रचकर इस तरह के आंदोलनों को बदनाम करने की मंशा इनकी हमेशा से रही है, हमेशा से इस तरह के षड्यंत्र करते रहे हैं। पर अब तक भी जिस तरह से असफल रहे हैं, और ये आगे भी इसी तरह सफल रहेंगे। अब देश की जनता पूरी तरह जागरूक है, किसान पूरी तरह जागरूक है, पूरा तबका, समाज का हर तबका इस आंदोलन से जुड़ा हुआ है,
तो पूरे सभी लोग जो हैं इस सरकार की मंशा को, सरकार के इन षड्यंत्र को विफल कर देंगे। मैं आपसे जानना चाहूंगा, कहाँ से आए हैं आप? बुलंदशहर से। उत्तर प्रदेश के चुनाव में बुलंदशहर को जिले को खास रूप से देखा जाता है, क्योंकि वहाँ जो वहाँ का जो वोटर है वो या तो समाजवादी पार्टी या बसपा। आपको क्या लगता है किसके आने की आशंका है इस बार उत्तर प्रदेश में? इस बार तो जी बसपा की अखिलेश के आने की उम्मीद है। अब बीजेपी सरकार पे लगातार आरोप लगाए जा रहे थे कि उन्होंने महंगाई बढ़ा दी। तो महंगाई क्या, दूनी तिगनी हो गई आजकल। सिलेंडर कहाँ 400 रुपए का मिलता था, अब 1000 रुपए का, अगले महीने से वो 1000 का ही मिलेगा। जी इन्होंने वो चलाया था सिलेंडर घर घर पहुंचाने का। गरीबों को तो फ्री में सिलेंडर वितरण किया था ना, तो हाँ तो कह तो रही हूँ सिलेंडर फ्री दिया ना, लेकिन हम जैसों से तो डबल जा रहा है ना। गैस फ्री दे रहे हैं जिनको सिलेंडर सेवा दी है। एक बार देने के बाद में दूसरे ही महीने से दुगने रेट हो गए, तो क्या फायदा मिला? आप भी मानते हैं उत्तर प्रदेश के जो चुनाव है इस पे इस चीजों का फर्क पड़ेगा बीजेपी को, इस पे फर्क पड़ेगा उनकी जो वोटिंग है सत्ता में आने का, जो उनका अगली बार जो उनका आगमन है, क्या लगता है आपको इन चीजों से फर्क पड़ेगा? सपना है सच्चाई, क्यों बिल्कुल फर्क पड़ेगा, लेकिन जो आगे आने वाले हैं वो अखिलेश भैया ही आएंगे जी, और अच्छा काम भी किया उन्होंने, ऐसा नहीं है। और हाँ, मैं पूरा मुझे कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि अच्छा काम किया है। आएंगे अखिलेश भैया ही आएंगे और आने भी चाहिए। अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। नमस्कार।